असलम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीदा सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला न्यू अपडेट्स और न्यू अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग्स आप लोगों को मिल सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज संडे था, तो संडे का ये तकरीबन 1:30 या 2:30 का टाइम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम। तो ये मेरी मामा बना रही थी दाल करेले, तो हमारी गैस हमेशा की तरह नहीं आ रही थी, हम सिलेंडर में बना रहे थे। गर्मियों में भी हम सिलेंडर में बना रहे थे, मतलब क्या हमारे पाकिस्तान का हाल होगा, अल्लाह खैर करे। और ये जैसे थे ना करेले, उन्होंने पहले कट कर लिए थे, तो ये बन गए थे दाल करेले। और कुछ रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी, दाल बॉईल कर ली थी और वो ठीक है जी। तो ये थोड़े से मैं आप लोगों को दिखा रही थी फ्लैश ऑन करके। और ये और आप से सुनाए कैसे हैं, क्या हाल चाल है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फिज़ा स्पाम एक्स मेरी आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो प्लीज़ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करें। कोई क्वेश्चंस आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो ये मैंने अपने बाबा के लिए ऑर्डर किया था, आइडिया से ऑर्डर किया था, तो ये 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ, तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये मैंने बनाई थी कप केक्स, बनवाए थे मैंने ऑर्डर पर, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, बहुत ज़्यादा यमी थे। और ये फिर मेरे भाइयों ने कहा कि मुझे हमें ना मैगी बना दो, तो फिर मैं उनको मैगी बना कर दे रही थी। तो कपकेक्स की मैं बात कर रही थी, कपकेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और डिफरेंट प्राइजेज हैं, आप जाकर इनके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। केक्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये मैं बनाने लगी थी बिरयानी और स्पेक्टिस, आज मैंने बनाने से सोचा मैंने आज मैं अपने बाबा के लिए ना खुद खाना बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये बना, अच्छा जी। तो फिर हमने थोड़ा सा मैजिक किया और फिर हमने साथ मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो फिर ये देख के मैंने बीच में सिरका ऐड कर लिया था और साथ नमक 2 टेबल स्पून डालने या बॉईल, अब आप लोग को पता है तहे वाली बिरयानी के लिए डालने होते हैं, मतलब जो सा होता है नमक डालना होता है स्पेशली, ठीक है। ये सब वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट कर लिए थे पहले ही। जब से मैं एक बात बताऊँ, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, जब से मुझे ये आदत हो गई है कि मैं बेशक मैं व्लॉगिंग के बगैर भी कुछ बना रही हूँ, वीडियो ना भी बना रही हूँ ना, तो मेरी आदत है हर चीज़ पहले कट करके प्लेट में रख के और फिर मैं मतलब करना स्टार्ट हो गई। मेरे अंदर एक अच्छी हैबिट आई है जब से मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने। तो ये सब मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिया। तो ये मैंने दिखा रही थी कि बंद गोभी, एक प्याज और एक शिमला मिर्च लिया थे, एक एक चीज़ लेनी है सब आप लोगों ने। तो मैंने स्पेक्टिस के लिए पानी रख दिया था। फिर मैं आलू कट करने लगी थी। ये आलू आप लोग सोचेंगे किस में डालने थे, ये बिरयानी में ही डालने थे, तो हम लोग डालते हैं, आप लोगों का पता नहीं आप लोग डालते कि नहीं, एडिशनल आप लोगों ने डालने में डालिएगा, नहीं डालने में तो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मेरे से आगे एक गलती का ब्लेंडर हुआ था कि मेरी मामा ने मुझे बाद में बताया कि भाई आलू जो से होते हैं ना बड़े बड़े रखते हैं, मैंने छोटे छोटे आलू डाले थे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल मतलब ट्राई किया था ये बिरयानी। मैं आगे पुलाव बनाती हूँ, वो भी आप लोगों ने मेरी रेसिपी वगैरह देखी होंगी। ऐसा सच मैं इतनी कहीं एक्सपर्ट कुकिंग नहीं कर सकती, मैं भी अभी मतलब स्टार्ट है मेरा भी। तो मैं आज, मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का अपने, मतलब बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। तो मैंने जब फिर आलू जब मामा ने देखे, तो मामा कहते बड़े बड़े आलू रखते हैं, मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा सोचा मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मैं बड़े बड़े आलू रखूँगी। तो स्पेक्टिस मैंने कट कह रही हूँ तोड़ ली थी और मैं डालने लगी थी मसाले। बिरयानी मसाला था, काली मिर्च थी, मिर्ची थी और नमक था, ठीक है। तो बिरयानी मसाला शान का मैंने लिया था, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। और ये मैं बना काटने लगी थी पुदीना और जो सी मतलब दहों के अंदर लगाते हैं पुदीना और नींबू, तो 2 नींबू लिए थे और पुदीने के कुछ मतलब कहें कि डंडियाँ ली थी मैंने, जो भी इसको कहते हैं डंडियाँ कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं तो डंडियाँ ही कहती हूँ। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे भाई डंडियाँ नहीं कहते, ये कहते हैं तो वो कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे आकर DM इंस्टाग्राम पे करते हैं, आपने ये मतलब वर्ड नहीं सही बोला, या आप बहुत स्पीडली बोल गई, स्लो बोल रही थी, या प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें। इंस्टाग्राम पे DM करने से मतलब कुछ में से रिप्लाई दिए जाते हैं, कुछ में से रिप्लाई नहीं दिए जाते। I'm not afraid of the dark.
अच्छा जी, तो मकरोनी स्पैगेटी की रेसिपी तो मैंने अपने चैनल में बहुत दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को भी ज़बानी याद हो चुकी होगी। इस वजह से मैंने ओरली नहीं बताया, आप लोगों को जस्ट दिखा दी थी। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और दो आलू लिए थे, ठीक है। पहले मैंने जो है ना चिकन, मैंने चिकन मुझे नहीं पता कितना था कितना नहीं था, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मतलब गोल्डन कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है ना प्याज को, मुझे कुछ टाइम लगा था, मैंने इसको फिर रख दिया था। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी, इस तरीके से गोल्डन हो जाएगा। मेरे पास प्याज फ्राई हुआ, अगर वो आप लोग पास अवेलेबल है वो भी आप लोग डाल सकते हैं, उससे जल्दी काम हो जाता है। तो मेरे पास वो कम था हमेशा, मतलब लास्ट व्लॉग में मेरे साथ इसी तरह हुआ, वो कम था। इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ कि वो कम था, मतलब प्याज फ्राई हुआ कम था, ठीक है। तो ये मैंने एक टमाटर लिया था, इसको भी अच्छे तरीके से हमने डाल लेना है, और जब मतलब इसको भी अच्छे तरीके से करना है तो कुछ टाइम में ये हो जाएगा, ठीक है। और बीच में फिर मसाले ऐड कर देने हैं, मैंने वही जो आप लोगों को पहले मसाले दिखाए थे, मैंने एक प्लेट में निकाल के रखे थे, उसको ही डाल देना है। फिर मैंने एक गिलास पानी का डाल दिया था, और फिर उसके बाद इसको ढक्कन रख के रख देना है, 5 to 10 मिनट्स इसको रखना है। और उसके बाद दही डाल देना है, एक कप, मतलब मेजरमेंट कप मैंने उस हिसाब से डाला था, आगे मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी। फिर इसको भी मतलब जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना थोड़ा सा, जब आप लोगों ने दही ऐड करना है, इसके साथ नहीं दही ऐड करना, ठीक है। अगर कुछ अगर हुआ हुआ कुछ स्टेप इसके अंदर और ऐड होने हुए, और बीच में मैंने आलू डाल दिया था, जब मैंने पानी ऐड किया था जब मैंने बीच में आलू डाल दिए थे, और मैंने कैप मतलब ढक्कन रख के रख दिया था ताकि पानी के साथ, तो पानी जो है उसमें ही आलू गल जाए, ठीक है। तो फिर मैंने रख दिया था, फिर दही के दही था कुछ, उसके भी उसके साथ भी जो है ना आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो फिर आगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका जो सा है, ये चीज़ें मैं रख दी थी, और फिर मैंने साथ सैलेड बना ली थी, और साथ में दही दही मंगवा लिया था, दही एंड पे मामा ने बनाया था, ठीक है जी। मैं बनाने लगी थी इसमें जो सा जरदा रंग बनाने लगी थी, इससे मैंने मुझे जो सा दूध वाला जो नहीं मिला था, तो फिर मैंने इस सालन वाला चमचा लेके, ये भी वॉशेबल था लेके, तो फिर मैंने दूध डाल लिया था, आप लोग हाफ कप मैंने लिया था इसमें, फिर जरदा रंग ऐड कर लिया था, उसको इतना बीट कर लिया था अच्छे तरीके से, तो फिर भी एंड पे कम पड़ गया था, मुझे ज़्यादा दूध लेना चाहिए था। तो मैंने आप लोग बोलेंगे कितने ग्लास, मतलब कितना चावल थे, तो चावल मेरे ख्याल से 3 ग्लास थे, तो हमारे मतलब इकट्ठे चावल आता तो उसके अंदर जितने मतलब 3 ग्लास मामा ने कहा था बना लेना, तो फिर 3 ग्लास ही तो ये देखिएगा बन गए थे, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आगे मैं आपको थोड़ा सा, ये मेरी मामा हिला रही थी तो फिर मैं साथ वीडियो बना रही थी, ज़्यादा क्वान्टिटी में चावल थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मामा से ही बोलूं, तो ये थोड़ी सी स्लोमो है। अच्छा जी, तो मेरे 9 o'clock हो गए थे रात के, तो फिर पेस्ट्रीज वगैरह खाना वगैरह मैं सर्व कर लूँ, पापा आ गए थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनट, जब तक ले अल्लाह हाफिज़।